हेलो पब्लिक, आपका वो फिश में स्वागत है। और ये मेरी घर की फिश टैंक है, ये कम्युनिटी टैंक है जिसमें एक सिल्वर अरवाना है जो मैं अभी रिसेंट में ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, जो है 3 इंचेस का था। अभी काफ़ी बड़ा हो गया। वैसे मैं ब्लड वॉर्म्स खिलाता हूँ और यहाँ पे कुछ वीडियो टेट्रा से, और इसमें 4 सिल्वर डॉलर्स है और एक वाइट कॉन्वेक्स सिकलेट है और एक ब्लू कॉन्वेक्स सिकलेट है। पोलर, इसे टाइगर भी बोलते हैं, बहुत काफ़ी सारे नाम है इस फिशेस के। तो आज का टॉपिक इन पे ही है कि ये जो फिशेज हैं, इन्होंने मेरे टैंक में एग्स ले किए थे काफ़ी दिनों पहले। तो मुझे लगा था वो बचेंगे, लेकिन उन्होंने हैच करके वो फ्रेश से काफ़ी साइज़ में ग्रो होके, अभी मैंने उन्हें दूसरे टैंक में देखा। आगे वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने उनको अलग एक टैंक में रखा और कैसे रेस कर रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिए और बने रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये जो एक ये है वो है मेल, और जो दूसरा वाइट है वो फीमेल। इसने काफ़ी दिनों पहले एग्स ले किए थे कॉर्नर में, तो अभी वो प्राइस बड़े हो चुके हैं। मैं आपको इसमें क्लिप्स दिखाऊंगा राइट फ्रॉम उसने जब से एग्स ले किए थे, और वो फ्राइज अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। उनको मैं ये टैंक से निकाल दिया, क्योंकि ये जो सिल्वर डॉलर है उन्होंने नए नए बोल के 4, 5 या 10 मे बी फ्राइज खा लिए। तो मैंने सोचा कि उनको इस टैंक से निकाल के एक दूसरे टैंक में, इसमें तो एक सिल्वर अरवाना भी है, तो अभी काफ़ी वो घूमने लग रहे थे। इसके लिए मैंने उनको एक टैंक से ये टैंक से निकाला और छोटे वाले टैंक में रखा। अभी मैं उनको रेस करूँगा, देखता हूँ कैसा प्रोग्रेस है। तो अभी मैं आपको एक क्लिप्स दिखाऊँगा कि जब से उन्होंने एग्स ले किए थे और एक साइज़ तक ग्रो हुए, अभी जब तक तो उन्होंने मैं एक शिफ्ट किया था एक डब्बे में, फिर उससे अभी मैं एक टैंक में रखा हूँ। गाइस, जैसे कि देखा आपने, मेरे जो ये पैरेट सिकलेट्स हैं उनके फ्राइज थे, आपको मैंने दिखाया कि कैसे उनके फ्राइज एग्स ले किए थे। ये मेल सिकलेट है, और जो वाइट है पीछे वो वाइट वाइट है जो फीमेल है, और ये जो ब्लू है वो मेल है। और इसके अंदर देखो काफ़ी सारे फ्राइज थे, अभी तो मैंने उन्हें फ़िलहाल एक अलग डब्बे में निकाल के रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉलर फिश है इसने काफ़ी फ्राइज खा लिए, तो मैंने सोचा कि उसको अलग से निकाल देते, कि थोड़ी उनकी ग्रोथ हो गई थी, तो मैंने उनको अलग से निकाला है। अभी उनको मैं एक नए टैंक में शिफ्ट करूँगा, लेट्स सी। तो यही डब्बा है, इसके अंदर मैंने 15 से 20 कॉन्वेंट सिकलेट फ्राइज के जो बेबीज़ है वो इसके अंदर निकल के रखे। तो मैं इसमें से उसको ये टैंक में शिफ्ट करूँगा। अभी तो मैंने उसको, ये स्पेयर टैंक है मेरा, तो इसको अभी मैं सेटअप करूँगा नॉर्मल एक वाटर। ये एक्वेरियम का जो वाटर है, इसका जो वाटर है वो मैं निकाल के इसमें डालूँगा, ताकि टेम्परेचर और पानी सेट हुआ है तो उसमें वो फिशेस सेट हो जाएंगे। और ये वाटर भी मैं उसमें डालूँगा, लेट्स सी। तो मैंने सारे फ्राइज वो टैंक से इसमें सब निकाल दिए, तो इसमें से नए नए बोल के 15 से 20 छोटे फ्राइज रह गए, ये देखिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इन लोगों को मैं क्या फीड करूं, क्या खाने के लिए दूं, क्या ऑप्शन है उसी मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास भी कोई फ़िश ब्रीड हुई है या ऐसे कुछ फ्राइज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अभी मैं ये फ्राइज इनको रेस करूँगा अच्छे खासे कंडीशन और एक साइज़ में लेके आऊँगा, और देखूंगा अगर मैं इनको रखता हूँ तो रखूंगा ये टैंक में या दूसरे कोई सेटअप में, या फिर मैं किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दूंगा। अगर आप में से भी किसी को चाहिए ये फ्राइज़ बड़े होने के बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मुंबई के आसपास के हो तो ज़रूर डाल देना कमेंट सेक्शन में, अगर पॉसिबल है तो मैं आपको ये दे दूँगा। अगर ये फ्राइज़ बचते या टिकते ग्रो होते हैं तो मैं ज़रूर दूँगा।
तो फ्राइज़ मैंने जिस जो फिश फ्राइज़ है जो सिकलेट के है वो मैंने जो इस टैंक में निकले हुए इसी टैंक का पानी लिया था, तो मैंने इसका वाटर चेंज करके दूसरा न्यू पानी डाला है, तो इसलिए लिए फिश थोड़ी अभी काफ़ी थोड़ा सा कम स्विम कर रही है। लेकिन ये डॉलर्स देखे कि उनकी साइज़ देख सकते हैं अच्छी ग्रो है, कलर भी अच्छा रहा है। इनको मैं टेट्राबिट्स खिलाता हूँ और जो मेरा सिल्वर अरवाना है उसको मैं ब्लड वॉर्म्स खिलाता हूँ फिलहाल के लिए, देखते हैं अभी जब तक वो ब्लड वॉर्म्स खाते हैं, फिर उसके बाद मैं उसके कोई स्टिक्स विक्स पे लेके आऊँगा, लाइव फीड तो दूंगा नहीं। तो अगर आप कुछ मेरे टैंक के बारे में बताना चाहते हैं या कोई किसी फिश के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे मैसेज डालिए या फिर कमेंट कीजिए, तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मेक श्योर करूँगा कि उसके ऊपर कुछ एक वीडियो भी बना दूँ या फिर कुछ ऐसे। और आपको फ़िश प्राइस के अपडेट्स चाहिए जो लेटेस्ट क्या ग्रो कर रही है या किसी को आपको चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और ऐसे ही लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे कमेंट किए और आप वीडियोस देखते रहिए। और काफ़ी सारे वीडियोस अभी इस चैनल पे आने वाले हैं, तो ज़रूर देखिए। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।